शारदीय नवरात्र के अवसर पर महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। आपको बता दें कि सप्तमी के दिन से ही पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विधि विधान से पूजा पाठ किया जा रहा है तथा श्रद्धालु मां की प्रतिमा के पास पहुंचकर धूप दीप अगरबत्ती के साथ चुनरी व नारियल चढ़ाकर मां से अपनी मनोकामना पूरी करने की मन्नत मांगते हैं। महानगर में गुपलापुर, दाऊदपुर काली मंदिर, दाऊदपुर चौराहा, सुमेर सागर रोड स्थापित मां की प्रतिमाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही और लोग भक्ति भाव से मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मां दुर्गा पंडाल के आयोजकों ने कहा, लोग श्रद्धा अभी भी बनी हुई है। कोरोना काल से लोग उभर चुके हैं और पूजा हमेशा की तरह ही चल रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का कितना ध्यान रखा जा रहा है? कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है मगर लोग श्रद्धा में भूल जाते हैं। मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं हो पा रहा है। कोई विश्वास एक बना हुआ अटूट विश्वास है कि माता कुछ होने नहीं देंगी, उसी की तरह आगे लोग बढ़ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद पा रहे हैं। कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं? यहाँ से चौराहे दाऊदपुर बेतिहाता तक के लोग आ रहे हैं, इधर से तारामंडल तक के लोग आते हैं। क्या नाम है? आनंद गुप्ता। बैठाई गई है कितने सालों से ये बैठाई जा रहा है? मूर्ति करीबन यहाँ पे 40-41 सालों से बैठ रही है। देखा जाए कोविड नियमों का कितना ध्यान रखा है? कोविड नियमों का हम लोग बहुत ध्यान रख रहे हैं और सैनिटाइजर वगैरह का सब कुछ प्रयोग करके ही अंदर आने की एंट्री दे रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं? करीबन 10,000 लोग आते हैं नवरात्र में। किस तरह से दर्शन कराया जाता है? दर्शन लाइन में ही लगा के कराया जाता है। जब तक दर्शन आगे के लोगों का ख़त्म नहीं होता तब तक पीछे लोग रुके रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं। क्या नाम है? अनूप यादव। स्थापना की गई है, तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरह से लोगों को दर्शन कराया जा रहा है? दर्शन सर देखिए कोरोना तो मान लीजिए थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत है, लेकिन हम आराम से लोग दर्शन कर रहे हैं। भीड़ तो हो रहा है लेकिन अब कितना आदमी को गाइड किया जाएगा। और माता जी के ये 34वां साल है, श्री श्री दुर्गा पूजा युवा समिति दाऊद काली मंदिर के सामने मूर्ति बैठती है 34 साल से। और हम अमरजीत कुशवाहा अध्यक्ष, हमारे समितिगढ़ के सभी लोग रिंकू जायसवाल, आशीष गुप्ता, किशन सोनकर और नीनक कुशवाहा, सभी समिति के लोग सहयोग कर रहे हैं। और कल माता जी का भंडारा भी है 11 बजे से, और आप लोगों का पूरे जनता का सहयोग इसमें है।
हर साल इसी तरह हम लोग बैठाते हैं और ये माता जी का 14वां कलर है। कितने सालों से मूर्ति बैठा? 34 साल से। कितने श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए? दिन भर में तो कम से कम 400-500, जैसे मंदिर में से दर्शन करके आएंगे यहाँ पे आएंगे, माता जी के दर्शन करेंगे। भीड़ रुकी नहीं रहा है, भीड़ नहीं रुक रहा, लेकिन आराम से लोग दर्शन करके अपना अपना जा रहे हैं दर्शन करके। कोविड प्रोटोकॉल के लिए पालन कर कितना क्या क्या व्यवस्था किया गया? व्यवस्था क्या मान लीजिए, सैनिटाइजर रही है अपना, अब क्या कुछ सिरकेगा इसमें, अपना खुद लोग सिरके आ रहे हैं। क्यों भैया? अमरजीत कुशवाहा। ये सब 1975 से स्थापना की गई है। कितने श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ? यहाँ डेली कम से कम हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के लिए क्या क्या व्यवस्था की? कोविड प्रोटोकॉल के लिए हमने सैनिटाइजर, मास्क, फिर कोविड हेल्प डेस्क, ये सब जिससे प्रशासनिक गाइडलाइन थी वो सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। नागरिकों से यही कहना अपील है कि कोई भी कहीं भी जाए, किसी पंडाल में जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें तथा पंडाल आयोजकों और सबका साथ ही सहयोग करते रहें। मनीष कुमार।